आप सबको नमस्कार। मैं धर्मेंद्र मौर्य, मैं आज आप लोग को एक छोटा सा बिजनेस आइडिया बताने जा रहा हूँ, और बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया है। आप घर बैठे काम करके काफी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, अगर अच्छा तरीके से प्रयास करेंगे तो। और ये जो प्लान हम बता रहे हैं बिजनेस आइडिया, बहुत ही कम बजट में स्टार्ट कर सकते हैं, एकदम छोटा बजट में। समझिए कि आपके पास पैसा लगाना ही नहीं है उतना, आपके पास हम आज के डेट में सबके पास होता है, मात्र 1000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जो बिजनेस आइडिया है, 1000 रुपये से 10,000 तक ले जा सकते हैं, लाख तक ले जा सकते हैं। तो देखिए क्या है कि शहर के लिए है ये बिजनेस आइडिया। शहर में क्या होता है, लोगों के पास अक्सर टाइम बहुत कम होता है, अपने अपने काम में लोग बिजी होते हैं, कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई दुकान में बिजी होता है। एक सब्जेक्ट जितने लोग शहर में होते हैं, शहर में आपको बिना काम का बहुत बहुत ही बहुत कम, मतलब समझ लीजिए कि 2-4% लोग मिलेंगे। देहात में तो क्या होता है कि लोग आराम कुछ 50% लोग फ्री होते हैं, उनके पास काम नहीं होता है, क्योंकि वो शहर जाते हैं, कमाते हैं, रहते हैं। और लेकिन शहर में क्या है कि किसी के पास टाइम नहीं होता है, तो शहर में ही आपको करना है। और करना क्या है, जो डेली घरेलू आइटम होता है उसी आइटम को आपको सेल करना है, और एक तरीका से सेल करना है। आइटम में क्या हो सकता है, जैसे सब्जी हो सकती है, चावल दाल तेल मसाला, हरी सब्जी में जितनी हो, फल फ्रूट हो सकता है, ये सारे आइटम को आप सेल कर सकते हैं। जैसे जितने भी आइटम घरेलू यूज होता है, जैसे सर्फ साबुन शैम्पू तेल मसाला हो गया, एक समझ लीजिए कि किराना स्टोर जो होता है, किराना स्टोर पे ज्यादातर जो डेली वस्तुओं की जो है बिक्री होती है वही ज्यादातर बेचा जाता है, तो उसी आइटम को बेचना है, लेकिन घर बैठे बेचना है, और कस्टमर भी आपको ज्यादा मिलेंगे। और आप एक इसको बताए ना कि जीरो से शुरू करके और करोड़ों तक बना सकते हैं, लेकिन शुरुआत आपको जीरो से ही करना पड़ेगा। शुरुआत करने के लिए देखिए क्या करना होगा, मार्केट से आपको सारी जो हम आइटमें बताए हैं, सब्जी फल और राशन, सारे आइटम को खरीद के लाना होगा। और फ्रेंड्स, अभी आप लोग जानते होंगे कि हमारे फोन में और आपके भी फोन में व्हाट्सएप के एक व्हाट्सएप का ही वर्जन व्हाट्सएप बिजनेस ऐप है, उस ऐप के जरिए आपको काम करना है। देखिए व्हाट्सएप बिजनेस जो ऐप है उसके बारे में आप लोग यूट्यूब पर जाकर देख लीजिएगा और उसके बारे में पूरा समझ जाएगा। उसमें वहां पर होता है व्हाट्सएप बिजनेस में कि आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसका फोटो खींचकर अपलोड करिए, उसका रेट डालिए, उसके बारे में लिखिए, और जितने लोग आपका नंबर मोबाइल में आपका ऐड करेंगे सबके मोबाइल में आपका जो है व्हाट्सएप बिजनेस ऐप दिखेगा, यानी समझ लीजिए कि एक दुकान दिखेगा। जैसे वो आपके मोबाइल पे नंबर व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप पे जो आइकन दिखता है दुकान का, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जितने भी प्रोडक्ट आप बेचते हैं वो सारे प्रोडक्ट वहां पे शो होगा, फोटो के साथ, प्राइस के साथ, क्वालिटी के साथ, जो चीजें आप उसमें मेंशन करेंगे। तो आपको करना यही है कि मार्केट से जो है सब्जी को लाइए, राशन को लाइए, सारे फोटोज खींचिए और रेट के साथ में वहां पर अपलोड कर दीजिए। और शुरुआत जो आपको करना है, हम बताएं आपको कि छोटे जगह से, जैसे गाँव से, सॉरी मतलब छोटे एरिया से शुरुआत करना है। कहाँ करना, तो शहर से है लेकिन छोटे एरिया से, जितने दूर आप तक डिलीवरी दे सके एक दिन में। अब जैसे कि मान लीजिए कि अभी आप अकेले बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो अकेले में ये होगा कि आप जो है 100-200 घर तक जो है एक दिन में घूम सकते हैं, वो भी 5 घंटे, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको, 4 या 5 घंटा टाइम मिलेगा। तो उतना दिन तो देखिए करना क्या है कि आप अपलोड कर देंगे सब्जी, और नंबर आपको सबको एक दिन पहले बांट देना है नंबर अपने सबके पास, और बताना है उनको कि भैया आप नौकरी करते हैं, राशन लेने के लिए जाते हैं मार्केट में, आपका टाइम वेस्ट होता है, आप उतना ओवर टाइम भी कर सकते हैं, चाहे आप दूसरा काम कर सकते हैं, हम आपके घर तक जो है जो भी आपको और डेली की वस्तु की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे सब्जी तेल मसाला, ये सारी आइटम हम आपको घर तक डिलीवर करके देंगे, और बढ़िया प्रोडक्ट देंगे क्वालिटी के साथ, और रेट भी डिस्काउंट रहेगा हमारे वहाँ। तो देखिए रेट भी डिस्काउंट देंगे, उनको कहीं मार्केट जाना भी नहीं है, उनका टाइम का भी बचत है, तो आपसे क्यों नहीं लेंगे ये प्रोडक्ट, वो आपसे ही खरीदेंगे। तो आपको करना क्या है कि जैसे कि अपलोड करने के बाद जो है सारे आइटम को व्हाट्सएप बिजनेस पर,
नंबर पे एक दिन पहले बांट दिए रहेंगे, एक बार जिनको नंबर बांट देंगे उनको दोबारा नंबर देने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपका नंबर सेव कर लेंगे कंटिन्यू के लिए, वो फिक्स हो जाएंगे आपके ग्राहक। तो पहली बार जो है किसी को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि भैया आप हमारा नंबर सेव करिए, हम ये सर्विस इस तरीके से सप्लाई करते हैं। वहां पर आप वीडियोस भी अपना अपलोड करके डाल सकते हैं कि देखिए जैसे हम ये आज ये प्रोडक्ट लाए हैं बहुत ही बढ़िया है, किसी को वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं कि साथ में जितने लोग जुड़े हैं सबको वीडियो छोड़ सकते हैं। तो करना क्या है कि सबको नंबर बांट देंगे और रिक्वेस्ट कर देंगे, बाकी अपलोड करेंगे फोटोज वगैरह, और जो जो लोग भी आपके प्रोडक्ट को देख के आपसे ऑर्डर करेंगे, आपको सुबह जैसे मान के चलिए कि 7 बजे से गए मार्केट से जो है मटेरियल आए 8-9 बजे तक ला दिए, उसके बाद आपको 10-11-12 बजे तक लोग को कॉल भी कर लेना है, अभी नए नए हैं तो कॉल करना पड़ेगा, जिनका जिनका नंबर रहेगा उनको कॉल कर लेंगे कि भैया हमारे पास ये मटेरियल है क्या क्या चाहिए बताइए, तो वो बताएंगे, उनका ऑर्डर नोट कर लेंगे। उसके बाद जो लोग आपका नंबर देख रहे हैं दुकान, जिनको आपकी दुकान के बारे में पता रहेगा मोबाइल पे, वो देखेंगे और आपको जो सारी चीज़ें आइटमों का ऑर्डर लगा देंगे। ऑर्डर लगाने के लिए क्या करिएगा कि पहली बार थोड़ा सा ये इसमें एक तो रिक्स वाला काम है, रिक्स वाला काम यह है इस बिजनेस आइडिया में कि जैसे मान लीजिए कि अब कोई ऑर्डर लगाता है, तो ऑर्डर लगाता है तो उसमें अब कस्टमर को ये होगा कि हम पहले पैसा भेज देंगे तो हमारा मटेरियल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपके अंदर ये रहेगा कि हम ऑर्डर ले लें फिर जो है मटेरियल ले जाएंगे, नहीं लेंगे तो हमारा जो है खराब हो जाएगा, ये रिक्स है। लेकिन आपको कस्टमर के हिसाब से जो है आपको मैनेज करना होगा, अब जैसे 2-4 दिन करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कस्टमर कैसा है। जैसे मान लीजिए कोई ऑर्डर लगा देता है, आप ले जाएंगे पार्सल डिलीवर करने, उसके बाद तुरंत पैसा दे देंगे, कोई ऐसा भी रहेंगे कि आपको पहले ही पैसा भेज देंगे, और जिनका जब 2-4-10 दिन का रेगुलर हो जाएगा ना तो आपको ऑटोमेटिक सेटअप बन जाएगा, चाहे वो 10 दिन में भी पैसा भेज सकते हैं या एक ही बार एडवांस भी दे सकते हैं। तो उनमें देखिए इसमें साफ है कि उनको आप मार्केट से जो है रेट मार्केट का ही रेट देंगे तो भी लोग खरीदेंगे, क्योंकि क्या है ना वो देखिए मार्केट जाने में टाइम का इशू रहता ही है, तो जब पहले तो उनको उतना एहसास नहीं होगा, लेकिन जब आप कुछ दिन तक कर लेंगे ना, जैसे 2-4-10 दिन तक उनको जो है देने लगेंगे ना, तो उनको जो है कि मार्केट जाना थोड़ा सा पहाड़ लगेगा, उनको जो है कि अरे वहां से मंगाते हैं, अपना काम में बिजी रहेंगे, मोबाइल चलाने में चाहे जो काम कर रहे हैं चाहे बिजनेस कर रहे हैं उसमें बिजी रहेंगे, वो निफिकिर हो जाएंगे इस चीज से और आपसे ही माल खरीदेंगे। ये हमारा बिजनेस आइडिया है, और जहाँ तक जो है कि हम अपने बातों से शेयर किए, हमें उतना अनुभव नहीं है, ये एक वीडियो हम पहली बार अपने मोबाइल पर शूट कर रहे हैं, और मैं अपने अभी डिसाइड किए हैं कि हम अपने YouTube चैनल पे, जैसा कि आप लोग जानते हैं जितने लोग हमारे वीडियो को पहले से देख रहे हैं कि हम पानी पूरी मशीन और फास्ट फूड रिलेटेड काउंटर वगैरह का वीडियो लाता हूँ और मैं बनाता हूँ, लेकिन साथ साथ में मैं सोचा हूँ कि बिजनेस से रिलेटेड बातों को शेयर किया जाए, बताया जाए, जिससे लोग का हेल्प हो सके, और जब लोग का हेल्प होगा तो ऑटोमेटिक हमारा भी हेल्प होगा, हमें भी लोग सपोर्ट करेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना है, और आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।